अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 5 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, जिसका नाम है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या होते हैं और इनका कितना डिस्टेंस होता है, रेडियस क्या होता है इनका, इस टॉपिक में हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। और इनमें जो रिवॉल्व करने वाली सेटेलाइट्स हैं तो वो हमारे किस काम की हैं, बेटा वो हमारे लिए क्या काम करती हैं। ठीक है, तो हम ये सारे काम करेंगे आज इस टॉपिक में। तो नाम पे गौर करते हैं तो हमें टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि टॉपिक दरअसल कहता क्या है, इसमें हमने करना क्या है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स ऐसे कोई ऑर्बिट्स होंगे जो कि ज़मीन के लिहाज से, जियो का मतलब क्या होता है बेटा, अर्थ, ज़मीन के लिहाज से क्या होंगे बेटा, स्टेशनरी, एट रेस्ट होंगे बेटा, जिसमें बॉडी जो होगी उस उन ऑर्बिट्स में हम फील करेंगे रेस्ट पे है, लेकिन वो रेस्ट में होगी नहीं बेटा। ठीक है, तो हमें फील होगा ऐसे ऑर्बिट्स होंगे जो कि ज़मीन के लिहाज से, जिनमें बॉडी जो मूव कर रही होगी हमें फील होगी कि वो रेस्ट पे है बेटा, वो एक जगह पे साकिन है, स्टेशनरी है बेटा। ठीक है, लेकिन अगर असल में ऐसा होगा नहीं बेटा, ठीक है, हमें फील ऐसा होगा। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स कुछ ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें रिवॉल्व करने वाली सेटेलाइट ऐसा लगता है कि ज़मीन के एक पॉइंट के ऊपर खड़ी है और वहीं पे ही खड़ी रहती है, उसे ना आगे जाती है और ना ही पीछे जाती है, ऐसा हमें फील होता है। लेकिन ऐसा होता रियल में ऐसा नहीं होता, वो दोनों मूव कर रहे हैं, ज़मीन भी मूव कर रही है और वो सैटेलाइट भी मूव कर रही है। तो दरअसल वो उसकी दोनों की मोशन कुछ इस तरह से है, दोनों की जो मोशन सिंक्रोनाइज कर जाती है, मैच कर जाती है, तो हमें ये फील होता है कि दोनों बॉडीज़ एक पॉइंट के ऊपर हैं और ज़मीन भी रेस्ट पे है और वो भी रेस्ट पे है। लेकिन ऐसा फील होता नहीं है, ज़मीन भी मूव कर रही है और वो सैटेलाइट भी मूव कर रही है, तो दोनों कुछ इस तरह से मूव करती हैं, दोनों की मोशन जो है सिंक्रोनाइज हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, सिंक्रोनाइज। तो सिंक्रोनाइज का मतलब भी हम समझते हैं, कंसिडर ये एक आपके पास ज़मीन है, अर्थ है, ठीक है बेटा, ये अर्थ है और ये इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पर इसके गिर्द एक ऑर्बिट है, इसके गिर्द क्या है, एक ऑर्बिट है ये। ठीक है, इस ऑर्बिट में ये एक सैटेलाइट है, इस तरह से बेटा। ठीक है, ये एक सैटेलाइट है और ये ज़मीन से हाइट h के ऊपर है। इस तरह से ये जो हाइट बनेगी क्या होगी बेटा, h। ठीक है, और ज़मीन का जो रेडियस है वो क्या होता है बेटा, कैपिटल R। ठीक, ये कैपिटल R रेडियस होगा। और ये जो आप टोटल हाइट अगर कैलकुलेट करें यहाँ से लेके और सेंटर तक की, वो हाइट को अगर हम इस तरह से कर लें, वो स्मॉल आर होगी बेटा। इन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच, यानी रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट बेटा। ठीक है, अच्छा अब जरा गौर समझिएगा सारे बच्चे कि अब ये जो हमारी जो अर्थ है ना, हमें ये लग रहा है इस डायग्राम के मुताबिक कि ये जो आपका सेटेलाइट है ये ज़मीन के ऊपर है, यानी बिल्कुल ऊपर है। लेकिन ये अर्थ, यानी कि मेरा हाथ ये जो है ये अर्थ है, और जो सेटेलाइट है ना वो इस गिर्द इस तरह से रिवॉल्व कर रही है ऐसे, लेकिन डायग्राम में ऐसे लग रहा है कि वो इस तरह से रिवॉल्व कर रही है। बात समझ आ गई, इस तरह से नहीं, इस तरह से भी कर सकती है लेकिन ये सेटेलाइट इस तरह से रिवॉल्व कर रही है बेटा। ठीक है, वर्टिकली भी रिवॉल्व कर सकती है लेकिन इस तरह से रिवॉल्व आपने कंसिडर करना है। ठीक है, अब जब देखो ये एक सेटेलाइट है इस तरह रिवॉल्व कर रही है, और जब सेटेलाइट घूम के इधर आएगी तो ज़मीन से इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, चेंज, क्या होनी चाहिए बेटा, चेंज। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्यों, क्योंकि आपकी सेटेलाइट जो है वो ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म करिए, कौन सी मोशन परफॉर्म करिए, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करिए इस तरह से। ठीक है, लेकिन आपकी जो ज़मीन है वो भी क्या करिए बेटा, इस तरह स्पिन करिए, क्या करती है बेटा, स्पिन करती है इस तरह से अपने फिक्स एक्सिस के गिर्द। अब देखो ये मेरी फिंगर्स हैं, ये किस तरफ हैं, आपकी सेटेलाइट की तरफ पॉइंटेड हैं बेटा। अब जब ये स्पिन करेगी, ये बॉडी इधर जाएगी, तो ये मेरा हाथ भी क्या कर रहा है बेटा, स्पिन कर रहा है साथ साथ। तो पता चल गया जिस स्पीड के, जिस टाइम पीरियड के साथ ये सैटेलाइट रिवॉल्व करती है अराउंड द अर्थ, उसी स्पीड के साथ या उसी टाइम पीरियड के साथ आपकी अर्थ भी रोटेट करती है अराउंड इट्स एक्सिस,
बात समझ आई? तो पता ये लगता है कि मेरी पॉइंट फिंगर हर वक्त इसकी तरफ पॉइंटेड रहती हैं। क्या रहती हैं बेटा? पॉइंटेड रहती हैं। बात समझ आ गई? तो इसे ऐसे लगता है कि ये जो सैटेलाइट है बिल्कुल इसके आमने सामने ही खड़ी है, ये ना ये सैटेलाइट आगे पीछे हो रही है और ना ही ज़मीन के मोशन में कोई तब्दीली आ रही है बेटा। बात समझ आ गई? किसी को ये बात समझ ना आई तो ज़रा पूछ लो। तो यही बात हम सारे ऑर्बिट में करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये ऑर्बिट इस तरह से है, ठीक है बेटा, कि अब ये जो पोजीशन है ये हालांकि सैटेलाइट इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है लेकिन उसी टाइम पीरियड के साथ ये बॉडी रोटेट करिए, अर्थ क्या करिए बेटा, रोटेट करिए, स्पिन करिए अराउंड इट्स एक्सिस। बात समझ आ गई? तो हमें ये फील होता है कि जितना ये जिस पीरियड के साथ ये रोटेट करे जितनी देर में ये रेवोल्यूशन कंप्लीट कर दिया उतनी देर में ये भी एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। तो ऐसा लगता है कि दोनों के आमने सामने ही खड़ी रहती हैं सैटेलाइट। तो ऐसी सैटेलाइट को हम क्या नाम देते हैं बेटा? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और जिस ऑर्बिट में ऐसा काम हो रहा है उसको कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। बात समझ आ गई कि नहीं आई? आसान बातें करें मुश्किल बेटा? ये तो बहुत सारी आसान बातें हो गई हैं। अब देखो ज़रा, हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स की डेफिनेशन करते हैं। द ऑर्बिट, ये ऐसा ऑर्बिट है इन विच, जिसमें क्या काम होता है बेटा, पीरियड, पीरियड से मुराद टाइम पीरियड बेटा, ऑफ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट बिकम इक्वल टू द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, अबाउट इट्स एक्सिस इज नॉन एज, सच ऑर्बिट इज नॉन एज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। बात समझ आई कि नहीं आई? वैसे ऑर्बिट को हम क्या नाम देते हैं बेटा? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का नाम देते हैं, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं मतलब क्या कहते हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तो एक ऐसा ऑर्बिट है जिसमें क्या काम होता है बेटा? टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या करे? रिवॉल्व करे। क्या करिए बेटा? रिवॉल्व कर रही है। इसकी जो टाइम पीरियड होगा रेवोल्यूशन का वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? इक्वल हो जाएगा। किसके टाइम पीरियड के? बिकम इक्वल टू द पीरियड ऑफ रोटेशन। ज़मीन क्या करती है? रोटेट करिए। क्या करिए? इस तरह से रोटेट कर रही है, इस तरह से अबाउट इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस के गिर्द बेटा, ठीक है। इसकी जो रोटेशन, ये रोटेशन है अबाउट इट्स एक्सिस, उस रोटेशन का जो टाइम पीरियड होगा वो इसके टाइम पीरियड के साथ क्या कर जाएगा बेटा? मैच कर जाएगा। याद रखना कि सैटेलाइट की जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है, उसका टाइम पीरियड सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड, और जो ज़मीन की जो मोशन कंसिडर कर रहे हैं वो रोटेटरी मोशन कंसिडर कर रहे हैं, उसकी रोटेशन का टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। दोनों सेम मोशन नहीं है बेटा, एक की सर्कुलर मोशन है और एक की रोटेटरी मोशन है। बात समझ आ गई? तो दोनों के जो टाइम पीरियड जब एग्जैक्टली इक्वल हो जाएंगे तो जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही होगी तो उस ऑर्बिट को हम क्या नाम देंगे बेटा? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। क्योंकि हमें ये ऐसा फील होता है कि आपकी जो सैटेलाइट है वो रेस्ट पे है, स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रही। बात समझ आ गई? दैट्स वाई दिस ऑर्बिट इज नॉन एज जियो स्टेशनरी, ज़मीन के हिसाब से स्टेशनरी है ऐसा ऑर्बिट बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, कुछ बच्चे इसको जान छुड़वाते हैं इससे, वो कहते हैं द सैटेलाइट विल रिवॉल्व इन द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज नॉन एट जियो स्टेशन सैटेलाइट। ऐसे नहीं कर देना आपने, ठीक है। आपने कहना ये है कि भाई ऐसे सैटेलाइट्स हैं, ज़मीन जो एक अपना जो रोटेशन कंप्लीट करती है ना, आपको पता है कि ज़मीन की दो तरह की मोशन है, एक तो सर्कुलर मोशन है जो अराउंड द सन वो रिवॉल्व कर रही है, और एक उसकी रोटेटरी मोशन है जो स्पिन करती है बेटा। वो स्पिनिंग मोशन के ज़रिए जो आपकी जो चेंजिंग आती हैं वो डेज चेंज होते हैं। क्या चेंज होते हैं बेटा? डेज चेंज होते हैं कि भाई आपका जो रोटेशन कंप्लीट होती है तो 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट हो जाती है तो आपका एक दिन कंप्लीट हो जाता है। और जो सर्कुलर मोशन होती है उसे सीजन्स चेंज होते हैं बेटा। बात समझ आ गई? कभी सर्दियाँ आ जाती हैं, कभी गर्मी आ जाती हैं, कभी बहार आ जाती है, कभी खिजां आ जाती है, ऐसे होता है कि नहीं होता? तो पता ये चला कि आपकी जो सर्कुलर मोशन होती है उसके ज़रिए आपके सीजन्स चेंज होते हैं, और जो स्पिनिंग मोशन होती है उसके ज़रिए आपके डेज चेंज होते हैं। तो एक जो अर्थ है वो अपने एक रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है बेटा? 24 आवर्स में। बात समझ आ गई? तो ज़मीन के हम कौन सी मोशन ले रहे हैं भला यहाँ पे? रोटेशन, रोटेटरी मोशन ले रहे हैं।
तो ज़मीन का जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर्स है, तो हम ये कहेंगे वो सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाएंगी जिनकी जो कंप्लीट सर्कुलर मोशन है अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ वो कंप्लीट जो सर्कल कंप्लीट करती हैं उनको उसका जो टाइम पीरियड हो वो 24 आवर्स के बराबर हो तो उस सैटेलाइट को हम क्या नाम देंगे बेटा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। बात समझ आ गई, मुश्किल बात तो नहीं कर दी हमने कही। अच्छा बेटा देखो ज़रा इसके दो तरह से डेफिनेशन करेंगे हम, ठीक है। एक तो ये वाली डेफिनेशन करेंगे और एक और करेंगे। द सैटेलाइट हुज टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ बिकम एग्जैक्टली इक्वल टू 24 आवर्स, यानी कि उसका टाइम पीरियड कितना हो जाए बेटा, एग्जैक्टली 24 आवर्स हो जाए, तो सच सैटेलाइट इज नोन एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। बात समझ आ गई, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाएगी ये, ठीक है। अच्छा इसको और तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, और क्या बेटा, और किस तरह से डिफाइन करेंगे ज़रा देखिएगा। हम ये कहेंगे कि वो सैटेलाइट भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाएगी जिसकी रेवोल्यूशन यानी सर्कुलर मोशन ऑर्बिटल मोशन जो होगी वो सिंक्रोनाइज हो जाए। क्या हो जाए बेटा, सिंक्रोनाइज मीन मैच हो जाए किसके साथ, रोटेटरी मोशन ऑफ द अर्थ के साथ बेटा। बात समझ आ गई, ये रोटेशन ऑफ द अर्थ के साथ, ठीक है। तो ऐसे सैटेलाइट को भी हम क्या नाम देंगे बेटा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का नाम देंगे। द सैटेलाइट हुज ऑर्बिटल मोशन इज सिंक्रोनाइज्ड, इज सिंक्रोनाइज्ड विद द रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन ऑफ अर्थ। सच सैटेलाइट इज नोन एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बेटा। पास में जा गई, हाँ देखो ज़रा कि ज़मीन की हम कौन सी मोशन लेते हैं बेटा, रोटेटरी मोशन लेते हैं, और जो सैटेलाइट की कौन सी मोशन लेते हैं, सर्कुलर मोशन लेते हैं। यानी सर्कुलर मोशन को हम क्या नाम दे सकते हैं बेटा, ऑर्बिटल मोशन का नाम है क्योंकि किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो अब उसकी कहते हैं उसकी जो ऑर्बिटल मोशन है, ये वाली जो मोशन है अराउंड द अर्थ वो सिंक्रोनाइज हो जाए। क्या हो जाए बेटा, किसके साथ, मोशन ऑफ द अर्थ के साथ। मोशन ऑफ द अर्थ कौन सी है, रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन ऑफ द अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज हो जाए। तो हमें ये लगेगा जिधर जिधर ये जमीन सैटेलाइट जा रही है उधर उधर ज़मीन भी जा रही घूम रही है, तो फिर ऐसे लगेगा कि भाई आपकी जो मोशन है दोनों की सिंक्रोनाइज होगी, मैच कर गई है। तो जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही होगी अराउंड द अर्थ उसको क्या नाम देंगे बेटा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का नाम देंगे। समझ आ गई। अच्छा अब देखो ज़रा हम बात करें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स की, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कौन सा ऑर्बिट होगा। अगर ज़मीन के गिर तो बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, ये भी है, इधर भी रिवॉल्व कर सकती है, इधर भी रिवॉल्व कर सकती है, और इससे आगे भी कर जा सकती है, इससे बड़ा ऑर्बिट भी हो सकता है। तो लेकिन हर ऑर्बिट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो हम ऑर्बिट अगर हम निकालना चाहें कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का जो रेडियस होगा ज़मीन से सेंटर से कितना फासला होगा उसका, वो रेडियस अब हम निकालने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। नहीं ये बेटा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस हम मालूम करेंगे, ठीक है। अच्छा इसकी एप्लीकेशन किसे बेटा, हाँ वो था उसका रेडियस था 400 किलोमीटर, कितना था बेटा 400 किलोमीटर, ठीक है। ये वो नहीं है, ये उससे ज़्यादा होगा बेटा, ठीक है। उसकी तो हमें बात और, वो तो क्रिटिकल ऑर्बिट नहीं पढ़ा था हमने, क्रिटिकल वेलोसिटी पढ़ा था, ठीक है। अच्छा ज़रा देखिएगा इसकी एप्लीकेशन क्या है बेटा, जो आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है ना, ये आपकी पोजीशन को फिक्स रखती है ज़मीन के गिर्द, अपनी पोजीशन क्या रखती है बेटा, फिक्स रखती है।
फिक्स रखने से मुराद है ज़मीन जिधर जिधर जा रही है हमें लगता है सेटेलाइट हमारे साथ साथ घूम रही है, हमें फील होता है ज़मीन घूम रही है, नहीं होता, हमें भी लगता है हम भी नहीं घूम रहे और सेटेलाइट भी वहीं खड़ी है, हमें ये फील होता है, हमारे लिहाज से सेटेलाइट जो है स्टेशनरी रहती है बेटा, ठीक है। अच्छा अब वो एक जगह पर फिक्स रहती है तो इक्वेटर के ऊपर फिक्स होती है। अच्छा अब देखो उसके ज़रिए हम काफ़ी काम ले सकते हैं, वेदर वेदर की कंडीशंस मालूम कर सकते हैं, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एक स्पेसिफिक कंडीशन में, और बेटा हम इसे GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम बेटा इसके ज़रिए यूज़ कर सकते हैं कि वो पूरे एक अहाते को कॉन्स्टेंटली कवर कर रही होती है बेटा। वैसे नहीं होता आप यहाँ पे कल यहाँ चली गई परस उधर चली गई, तो ऐसा नहीं होगा, एक सेटेलाइट वो फिक्स होती है जो तमाम काम कर सकती है बेटा, ठीक है। तो उसकी एप्लीकेशन आप ये नोट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे हम इसका रेडियस की वैल्यू मालूम करेंगे, रेडियस कैसे मालूम करेंगे ज़रा देखिएगा गौर से। हमने पढ़ा था कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है उसकी वैल्यू जो हमने निकाली थी वी इज़ इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल आर ओवर स्मॉल आर, वेयर स्मॉल आर इज़ इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच बेटा, ठीक है, याद है ना ये बातें। अच्छा अब देखो ज़रा गौर से, हमने ये R की वैल्यू मालूम करनी है, किसकी वैल्यू मालूम करनी है, R की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो अब R की वैल्यू कैसे निकालेंगे ज़रा देखिएगा, हम जानते हैं कि भाई ये जो V है ना आपका, ये किसकी वेलोसिटी है, इस ऑर्बिट की वेलोसिटी है और इस सेटेलाइट की वेलोसिटी जो इस ऑर्बिट में ये मूव कर रहा है, तो इस सेटेलाइट की जो वेलोसिटी होगी उसको हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कितनी वेलोसिटी होगी, ठीक है। वैसे हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो होती है किसके बराबर होती है, v इज़ इक्वल टू s ओवर t, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम बेटा, ठीक है। जो बॉडी ने यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर किया है वो क्या कहलाता है, स्पीड कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। अब देखो अगर हम कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करें, फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन जो आपका डिस्टेंस होता है ना वो इस सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर होगा, किसके बराबर होगा बेटा, मींस के लेंथ ऑफ द सर्कल के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ द सर्कल के बराबर। तो मैं लिख रहा हूँ s इज इक्वल टू सरकमफेरेंस c एंड विच इज इक्वल टू 2πr, r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल फ्रॉम दिस दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ अर्थ, आल्सो द सेंटर ऑफ दिस ऑर्बिट बेटा, ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ अर्थ भी है और ये सेंटर ऑफ ऑर्बिट भी है बेटा, जो ऑर्बिट इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो उसका रेडियस क्या होगा बेटा इस ऑर्बिट का, स्मॉल आर, मैंने पहले लिखा हुआ बेटा, ठीक है, ये आर हो गया 2πr सर्कमफेरेंस के बराबर। किसी को ये बात मुश्किल लगी वो ज़रा पूछ लो, हाँ दोबारा समझो बेटा कि अब ये ए पॉइंट से चले थे हम, यहाँ से घूम के दोबारा इस ए पॉइंट पे पहुँच गए हैं, तो हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, लेंथ ऑफ द सर्कल के बराबर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा, लेंथ ऑफ द ऑर्बिट के बराबर किया, यानी सर्कुलर ऑर्बिट है ना, तो हम लेंथ ऑफ सर्कल भी कह सकते हैं इसको। अब लेंथ ऑफ द सर्कल किसके बराबर होती है, सरकमफेरेंस के बराबर होती है, सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, 2πr, कितना होता है बेटा 2πr, कि उसका रेडियस कितना बनता है उसको 2π से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ आई बेटा। अब देखो अब इसने एक रेवोल्यूशन कर दिया कंप्लीट, हमने कहा फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए उसको जो टाइम रिक्वायर्ड होता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए वो टाइम कहलाता है टाइम पीरियड, क्या कहलाता है बेटा, ऐसा होता है कि नहीं होता, तो हम लिखेंगे टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, दिस टी इज़ द टाइम पीरियड बेटा, टी पी लिख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, टाइम पीरियड है ये, और ये क्या है, डिस्टेंस जो आपने कवर किया वो 2πr के बराबर है बेटा, बात समझ आ गई, नहीं आई तो पूछ लो। अच्छा अब देखो ये s की वैल्यू और ये टाइम टी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, समझ आ गई, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा v इज इक्वल टू s की जगह पे क्या पुट कर दोगे बेटा, 2πr ओवर कैपिटल T, बात समझ आ गई, मुश्किल बात तो नहीं कर दी हमने कोई। अच्छा बेटा ज़रा देखो गौर से, अब ये सारी सारी बातें हम यहाँ पुट कर दें इस इक्वेशन नंबर वन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन में वैल्यू पुट करने लगे हैं, ज़रा देखिएगा कैसे करेंगे। ये बन जाएगा 2πr ओवर कैपिटल T इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल G कैपिटल M ओवर स्मॉल r, हाँ अब हमने देखो इधर भी r है इधर भी r है, हमने तो कोई r मालूम करना था, इन दोनों r को इकट्ठा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, तो इकट्ठा करते हुए ज़रा देखिएगा कि इसको जब इधर ले जाएंगे तो ऐसे तो नहीं लेके जा सकती, तो जेल में बंद है, जेल क्या है बेटा स्क्वायर रूट है,
तो उसको कोई चाबी लगानी पड़ेगी कोई ताला खोलने के लिए। उसको क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा बेटा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिख देंगे, 2πr/T होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा बेटा, ख़त्म। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर, और जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ये बनेगा 4πr/T² इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर। अब आर को तमाम आर्स को एक तरफ कर लो, बाकी तमाम चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाओ, ये क्या बन जाएगा, ये आर जब इसे मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, आर क्यूब इज इक्वल टू जी एम ओवर मल्टीप्लाई टी स्क्वायर ओवर 4πr/T². बात समझ आ गई। अब ये आर की क्या आ गई, पावर क्यूब। अब हमने तो क्यूब थोड़ा ना मालूम है, हमें तो आर मालूम करना है। हम क्या कहेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे बेटा, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। अगर तो स्क्वायर रूट लेते तो पावर 1/2 लेते दोनों तरफ, अब ले रहे हैं क्यूब रूट तो पावर लेंगे 1/3 बेटा। बात समझ आ गई, तो ये मैं यहाँ यहीं पे लिख रहा हूँ, आर इज इक्वल टू क्यूब रूट ले रहा हूँ, तो इसका रूट और क्यूब से क्या हो जाएगा, कैंसिल। इधर बन जाएगा जी की कैपिटल एम टी स्क्वायर ओवर 4πr² इंटू 1/3, ये क्यूब रूट ले लिया आपने। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये आपके पास रेडियस की वैल्यू आ गई, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के रेडियस की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के रेडियस की वैल्यू, कि भाई इतना रेडियस होगा तब ही बॉडी आपकी मोशन के साथ, अर्थ की मोशन के साथ सिंक्रोनाइज कर सकती है, अदरवाइज नहीं करेगी बेटा। बात समझ आ गई। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की मालूम करके देखते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम करने के लिए ये एक्सप्रेशन है बेटा, अब इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ बेटा हम यूज़ करने जा रहे हैं, वो क्या है, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, विच इज़ जिसकी वैल्यू जो होगी वो ये होगी 10.6 × 10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर बेटा, ठीक है। मैस ऑफ अर्थ आपको पता है, कोई बताएगा तो पता चलेगा आपको क्या, नहीं बेटा जो आपको पता होता है ये, ठीक है, 6 × 10⁻²⁴ किलोग्राम्स। टाइम पीरियड की वैल्यू बेटा आपको पता है, जो टाइम पीरियड दोनों का टाइम पीरियड हमने क्या रखना है, 24 आवर्स, उसको भी हमने कहा 24 आवर्स होना चाहिए, इसका भी 24 आवर्स है हमें पता है, तो हम लिखेंगे टाइम पीरियड इज इक्वल टू 24 आवर्स, ठीक है। नहीं नहीं इसको चेंज करेंगे, SI यूनिट्स में लिख दें, हाँ जी। तो वी नो दैट एक दिन में 86,400 सेकेंड्स होते हैं बेटा, वैसे हम कर भी सकते हैं कि 24 को मल्टीप्लाई कर दें 60 के साथ, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड्स होते हैं बेटा, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम पीरियड आ जाएगा 86,400 सेकंड्स बेटा। बात समझ आ गई, नहीं आई तो पूछ लो। अब सारी वैल्यूज़ कहाँ पुट कर देंगे बेटा, ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, दिस इज़ द रिजल्टिंग इक्वेशन, एंड बाय पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 we will get the answer, R is equal to G की the value put करेंगे 6.67 × 10⁻¹ M 6 × 10⁻², 86,400 divide by 43.14 whole square and दिस क्यूब रूट एज वेल। बात समझ आ गई, जब इसको करेंगे सॉल्व, क्या करेंगे बेटा सॉल्व करेंगे तो उसका रिजल्ट आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद पावर क्यूब लेने के बाद क्यूब रूट लेने के बाद 4.23 × 10⁴ meters किलोमीटर सॉरी 7 meters और अपना 4 kilometers बेटा, ठीक है। अब देखो ज़रा गौर से, यहाँ तक कोई बात समझ ना आई तो बेटा पूछो जरा, समझ आ गई। वी कैन राइट इट एज ऑलमोस्ट 4,230 किलोमीटर 42,300 बेटा किलोमीटर्स, ठीक है। ये रेडियस होगा, कहाँ से ये रेडियस लिया हमने, सेंटर ऑफ अर्थ से, कहाँ से लिया बेटा, यहाँ तक बेटा, ठीक है। अगर हम सिर्फ इसकी हाइट कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं बेटा, इसकी हाइट कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, तो अगर हाइट कैलकुलेट करेंगे तो हाइट का फार्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं कि हाइट इज़ इक्वल टू आर माइनस कैपिटल आर
जब इसको सॉल्व करेंगे इसका रेडियस, तो ज़मीन का जो रेडियस होता है उसकी वैल्यू तो हमें पहले से पता है 6400 किलोमीटर होती है। कितनी होती है बेटा? 6400 किलोमीटर बेटा, ठीक है। जब इसको इसमें से माइनस कर देंगे इस वैल्यू में से, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 36,000 किलोमीटर बचेगा। क्या बचेगा बेटा? 36,000 किलोमीटर। बात समझ आ गई? ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो पता ये चल गया कि ज़मीन से कितने फासले पे ये सेटेलाइट होगी बेटा? 36,000 किलोमीटर के फासले पे। कितने फासले पे बेटा? एमसीक्यू आता है कि ज़मीन के सेंटर से कितने फासले पे होगी, वो फासला ये है या ये है, और ज़मीन के सरफेस से कितने फासले पे होगी, वो ऑलमोस्ट कितनी होगी बेटा? 36,000 किलोमीटर से होगी बेटा। इनको मीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकता है और किलोमीटर्स में भी कन्वर्ट करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई बात बेटा पूछिए, पूछें, शाबाश। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।